देखिए अंपायर्स खेल की शुरुआत करानी, आर्यन इलेवन, चंद्रकांत जोशी, विजय पाटिल, केवल भुई। अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है आप लोगों के ओवर्स टाइम यहां से स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो देखिए टाइम अब स्टार्ट कर दिया गया, 9:46 अब हुए जा रहे हैं। अब पहले चार ओवर आपको 20 मिनट में कंप्लीट करनी है, नोट डाउन करना है टाइम। हमारे ऑफिशियल स्कोरर कह संसारी, प्रतीक चौहान, बालाजी और चैलेंज नंबर है क्या? केवल रनों के लिए पहली गेंद लेकर लॉर फिल्टॉस, खिलाड़ियों के सारे ऑन साइड में टर्न किया लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर आई थिंक नितिन मौजूद हैं, एक रन। इस बार वहां पर फ्रंट फुट पे आकर अच्छे तरीके से गेंद को ड्राइव किया, हल्के हाथों से खेला था, एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से वहां पर सनी ने भी अपना खाता खोला, टीम का टोटल स्कोर है 2 रन 2 रन। एक केवल भुई बहुत अच्छी गेंदबाजी करने, इस साल लास्ट ईयर भी गेंदबाजी ज्यादा इनकी चली थी, अच्छी गेंद इस बार आगे की तरफ रखे हैं, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन पैरों की दरार से गेंद फरार, अच्छा बैकअप चंद्रकांत जोशी का, लॉन्ग ऑफ से आकर डीप एक्स्ट्रा कवर में अच्छा बैकअप दिया। इस दो की मदद से रन बनी है 4, प्रणव स्ट्राइक पर हैं। वहां पर एक रन दौड़ के पूरा किए इस वक्त दोनों बल्लेबाजों ने, सिंगल की मदद से टोटल रन बने 5 रन। इसके बाद की दोनों टीमें आप लोगों को भी बिल्कुल तैयार रहना है, बालाजी स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स, और दो बेहतरीन टीमें। दोनों टीमों ने लास्ट ईयर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था। केवल सनी के लिए अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद फ्लैश स्लिप की तरफ गई थी, वहां पर संदीप पाटिल मौजूद, एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। पहले ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं पूरी तरह से केवल भुई की। गेंदबाजी यूनिट क्रियांश चौहान काफी खुश नजर आ रहे हैं। केवल इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर में खेला है, फील्डर मौजूद है, इस बार कोई भी गलती नहीं, एक रन। एक ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने 7 बिना किसी नुकसान के प्रांशु इलेवन के। देखिए पहले ओवर को खत्म करने के लिए 5 मिनट के आसपास का समय लिया है आर्यन इलेवन भादवाड़ ने, वक्त का भी ख्याल रखना है, दूसरे ओवर की जल्द से जल्द शुरुआत करनी है। हरेश मलावकर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, दूसरे ओवर में गेंदबाजी को
चैलेंज स्पोर्ट के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट के कैप्टन, आपको अगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कांटेक्ट करना है। स्ट्राइक पर है प्रणव, देखने क्या दूसरे ओवर में अब बड़े हिट की तरफ जाएंगे। पहले ओवर में तो सिंगल पर ही दोनों बल्लेबाज सहमत थे, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ बड़े हिट की कोशिश की है। अच्छी फील्डिंग वहां पर नितिन की, लॉन्ग ऑन पर स्ट्रोक को खेला था, बहुत ही अच्छी फील्डिंग नितिन की वहां पर। हरेश मलावकर, आज दीपेश नाइक टीम में नहीं है, एक बहुत अच्छे गेंदबाज, कहीं ना कहीं उनकी टीम कमी खलेगी आर्यन इलेवन को। भावेश घरत भी मौजूद नहीं है। इस बार फुल टॉस गेंद थी, स्लॉग स्वीप की कोशिश थी, लेकिन चूक गए बल्लेबाज सनी। संदीप पाटिल की अच्छी फील्डिंग, अंपायर का इशारा आया, लेग बाय, लेग बाय की शक्ल में एक रन को पूरा किया वहां पर सनी ने। इस बार अच्छी पटकी हुई गेंद वहां पर, मिस टाइम स्ट्रोक रहा, केवल भुई गेंद पर बहुत तेजी से पहुंचे, सिंगल आता हुआ। अभी तक हर गेंद पर सिंगल आया, सिर्फ एक बॉल पर डबल रन बनाने में कामयाब हुए थे दोनों ही बल्लेबाज, रन बनी है 9 runs, माफ कीजिएगा 10। दूसरे ओवर का खेल शुरू है। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन और चैलेंज स्पोर्ट के कैप्टन, चैलेंज के कैप्टन विशाल वर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम विशाल वर्मा, आपको आना है। इस बार बल्ले के निचले भाग से गेंद टकराकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गई है, वहां पर संदीप जुकर ने इस गेंद को फील्ड किया। बालाजी स्पोर्ट के कैप्टन इस बार हवाई फायर किया है, गैप में खेला है, देखना है। वन बाउंस सेंट टू द फैन, फोर, पहले बाउंड्री आती हुई आज हमारे इस तीसरे दिन के पहले मुकाबले में, और पहले बाउंड्री भी लगाई है प्रणव ने, जिनके नाम इसी ग्राउंड पर 6 बॉल में 6 सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। ये कारनामा अब तक दो लोग ही कर पाए हैं, एक प्रणव दूसरे विशाल वर्मा। इस बार हो रिवर्स स्ट्रोक खेला है, गैप में बैकवर्ड पॉइंट डीप में जा रही है गेंद, तेजी से ट्रैवल करती हुई, एक और मौके पे चौका। तो पहले दो ओवर का खेल खत्म होने के बाद कुल रन बने हैं 19-19, इस ओवर में 12 रन बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं, क्योंकि सुबह का सत्र है। पहले दो ओवर में 19 रन, जय चौहान भी हमसे जुड़ चुके हैं, इन्हें कौन भूल सकता है इसी मैदान पर जो इन्होंने कैच पकड़ा था। दो ओवर का खेल खत्म हुआ, रन बने 19-19। पहले दो ओवर के लिए पूरे 10 मिनट का समय लिया है आर्यन इलेवन ने, ऑन टाइम गेंदबाजी कर रहे हैं। विजय पाटिल डीप मिड विकेट में फील्डिंग करते हैं, वही नजर आ रहे हैं, लास्ट ईयर वही अर्धशतक लगाया था अपने ही शो में, काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इस साल जो आर्यन इलेवन भादवाड़ की अभी तक परेशानी रही है कि ये दूसरा टूर्नामेंट खेलने पूरी टीम एक यूनिट के साथ नहीं आई है। गेंदबाजी के लिए केवल बुई को कंटिन्यू रखा गया है, पहला ओवर भी लेकर आए थे, अब तीसरे ओवर में गेंदबाजी को बुलाया है, तो इकलौते गेंदबाज होंगे जो अपने कोटे का दो ओवर कंप्लीट करेंगे। इस बार बहुत ज्यादा शफल होकर बिल्कुल बल्ले के निचले भाग से गेंद टकराने के बाद लॉन्ग लेग की तरफ गई, ओ हो एक और चौका, तो टीम का चौकों का हैट्रिक पूरा हो चुका है। आखिरी 3 गेंद पर 3 चौके हैं, रन तेजी से बनने शुरू हो गए हैं, रन बनी है 23-23। देखने इस मैच के बाद कौन होगा फ्री, क्या आर्यन इलेवन या फिर प्रांशी इलेवन, दोनों टीमों में 11 है, देखना है लेकिन किसका एक और 11 काम में आता है।
इस बार फिर से वापस स्विच हिट खेला लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और आउट हो गए बल्लेबाज सनी। अच्छा कैच पकड़ा वहां पर विकेट कीपर रवि ने। पांच ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। ये जो पहले दो मैच है पहले राउंड के मैचेस है ये पांच ओवर के खेले जाएंगे। इसके बाद सेकंड ओवर के जो मैचेस होंगे वो चार ओवर के खेले जाएंगे क्योंकि कल भी जो सेकंड राउंड के मैचेस हुए थे चार ओवर के हुए थे। हमारे पास वक्त भी कम है आज मेगा फाइनल होना है। मालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन वैभव आए। ये वैभव पाटिल नहीं है मैन फ्रॉम लाखेवली दूसरे वैभव काफी हम नाम शामिल करती हुई प्रांशी इलेवन। देखने वहां पर चंद्रकांत जोशी आए थे कुछ बातचीत करने के लिए और कितना जोश दिया है अपने शब्दों के साथ। दर्शन नाइक भी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम दर्शन नाइक आपका हार्दिक स्वागत है सिटी मर्जिंग कमेटी के मेंबर। इस वक्त मनोज भोईर ने समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़ दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहे। थैंक यू वेरी मच मनोज भोईर बहुत अच्छे क्रिकेटर थे पिछले तीन सालों तक सिटी मर्जिंग क्रिकेट में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला इनकी टीम ने और इन्होंने भी लेकिन इस साल नजर नहीं आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्द लौटेंगे। थैंक यू वेरी मच मनोज भोईर दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहे। देखने ऑल इज वेल किसका काम करता है। कैच छूटा था वहां पर इस बार फुल टॉस और सिर्फ कलाइयों के सारे गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से छह रनों के लिए। देखिए दर्शन वेलकम दर्शन नाइक सिटी मर्जिंग कमेटी के मेंबर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पर आकर बैठने इनका भी बहुत बड़ा रोल है सिटी मर्जिंग क्रिकेट को ऊपर ले जाने में। दर्शन नाइक प्लीज आपको हमारे से जुड़ जाना है और बहुत अच्छे कमेंटेटर भी हैं। इस सिक्सर की मदद से देखने को रन बनी है 30-30। प्रणव अब चार जब हो चुके हैं दो बाउंड्रीज लगाने के बाद एक मैक्सिमम लगाते हुए। इस बार ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ वहां पर एक रन बनाए दूसरे के लिए जाना चाहते थे वैभव लेकिन प्रणव ने मना किया एक ही रन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। केवल भुई राइट नाम ऑफ द विकेट आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से मुड़ते हुए। अगली गेंद स्विंग एंड मिस डॉट बॉल। इसी के साथ तीन ओवर का खेल हुआ खत्म। देखने कितने रन बने 31-31 अभी तक जॉब नहीं हुआ है दोनों टीमों का डन रन बनी है 31। बालाजी स्पोर्ट के कैप्टन अगर आप मेरी आवाज सुन रहे तो आपको अगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलना है। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन कुणाल जेडी सनी कोई भी अगर मेरी आवाज सुनना है तो प्लीज। ये देखिए दर्शन नाइक हमसे जुड़ चुके हैं वेलकम दर्शन नाइक थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा सा लेट हुए हैं लेकिन एंट्री लेट है ग्रेट जरूर होगी। जल्द से जल्द चौथे ओवर की शुरुआत करने है प्लीज। पूरे 15 मिनट लिए पहले तीन ओवर के लिए आर्यन इलेवन ने ऑन टाइम गेंदबाजी कर रहे हैं। नितिन को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया नितिन चौधरी लास्ट ईयर दो टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे नितिन चौधरी।
महादेव चषक और उप सरपंच चषक में। लास्ट ईयर तो बिल्कुल वन मैन शो की तरह चल रहे थे अपने टीम के लिए। स्ट्राइक पर प्रणव होंगे, नॉन स्ट्राइक रन पर अभी भी वैभव मौजूद है। 31 रन बने, आखिरी दो ओवर का खेल है। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन देखिए वक्त का ख्याल रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी ओवर में एक एक्स्ट्रा फील्डर 38 सर्कल के अंदर हो। विजय पाटिल, कल्पेश भी हमसे जुड़ चुके हैं चैलेंज के। इस बार बहुत दूर से बल्ला चलाया था क्योंकि गेंद काफी बाहर, वाइड बॉल। इसी बीच अगली गेंद देखने वहां पर क्या कुछ हुआ है, एक और वाइड बॉल, वहां से आया अंपायर का कॉल। दो बैक टू बैक वाइड कर चुके हैं नितिन चौधरी। गेंदबाजी की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई है, देखने केवल भुई जा रहे हैं बातचीत करने, क्योंकि केवल भुई ने अच्छी गेंदबाजी की है। पहले ओवर में 7 दिए थे, कोई सफलता नहीं। दूसरे ओवर में थोड़े से एक्स्ट्रा रन खर्च किए, 12। देखिए लेकिन अगर 50-55 का टोटल रहेगा तो आर्यन के पास भी बल्लेबाजी है जो उस टारगेट को चेस कर सकती है। लेकिन भूलना नहीं होगा चैलेंज ट्रॉफी में क्या गेंदबाजी रही थी प्रांशी इलेवन की। इस बार फिर से जाने दिया, एक और वाइड, वाइड का हैट्रिक पूरा करते हुए गेंदबाज। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन इस बार स्टीयर करना चाहते थे लेकिन मिस हुए डॉट बॉल। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आकर संपर्क करने। नितिन चौधरी, अगली गेंद अराउंड दी लेग्स, क्लीन बॉल, आउट हो गए प्रणव। दूसरा झटका लगता हुआ प्रांशी इलेवन को प्रणव के रूप में, और एक बड़ा झटका लगा क्योंकि प्रणव अच्छे टच में नजर आ रहे थे। दो बाउंड्री लगाने के बाद एक मैक्सिमम लगाया था लेकिन अब आउट होकर रेडग आउट लौटते हुए। और अब बल्लेबाजी को आ रही है दक्षत सिंगोले। अच्छी गेंदबाजी रही थी चैलेंज ट्रॉफी में, देखना बल्लेबाजी कैसी रहेगी और देखना है दक्षत क्या इस मैच में अपने दस्तखत करके जाएंगे। आर्यन इलेवन, प्लीज मीटिंग नहीं करना अपने को बहुत ज्यादा नए बल्लेबाज, आपको तेज कदमों के साथ क्रीज पर पहुंचना है। चौथे ओवर में नितिन ने 3 खराब गेंद करने के बाद अभी तक अच्छी वापसी की है, सिर्फ 3 वाइड करने के बाद इन्होंने एक डॉट बॉल की और एक विकेट भी हासिल किया है। दक्षत सिंगोले, इस बार आते ही साथ बैकफुट पर जाकर पुलिस स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, वहां पर खतरों भरे रन के लिए गए थे बल्लेबाज वैभव, लेकिन बाल बाल बचते हुए। बालाजी के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन पर रखा था उसे ऑन साइड में, कलाइयों के सारे मोड़ा, 1 रन बना, केवल भुई निशाना साधते हुए 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छी वापसी नितिन चौधरी की 3 खराब बॉल करने के बाद, अब पूरी तरह से पलटवार करते हुए पहली
तीन गेंदों में बिना कोई इलीगल डिलीवरी किए तीन रन दे दिए, तो रहा अगली चार बॉल में सिर्फ दो रन दिए। ये देखिए इस बार हाफ हार्टेड शॉट था, ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ, गेंद बिल्कुल बल्ले के निचले भाग से टकराई, लवाड़ी श्लोंगन की तरफ गई थी, एक ही रन आता हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बार हवाई फायर किया है, गेंद मैदान के अंदर है, दो फील्डर वहां पर आखिर में, लेकिन कैच को समाप्त किया केवल भुई ने, कॉलिंग नहीं हुई थी, आपस में टकराते टकराते रह गए, आउट में बल्लेबाज वैभव। और अब बल्लेबाजी को वैभव की जगह लेने आ रहे हैं वैभव पाटिल, मैन फ्रॉम लाखीवली, वैभव पाटिल है नहीं बल्लेबाज, देखने क्या कातिल हो पाएंगे या नहीं। फिर से अब थोड़ा सा मुकाबले में वापसी करती हुई आर्यन इलेवन, देखिए वैभव पाटिल आपको जल्द से जल्द इसके स्ट्राइकिंग एंड पर जाना है। चार ओवर का खेल हो चुका है, चार ओवर का खेल हुआ खत्म, रन बने कुल 37। गेंदबाजी को आए अतुल, अपने पहले गेंद में अपने स्टेप से चूके, अंपायर ने डेड घोषित किया है। आइए बालाजी स्पोर्ट के कैप्टन और चैलेंज स्पोर्ट के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आ जाना है, पांचवें ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। चैलेंज स्पोर्ट के कैप्टन, पहली गेंद पर स्लॉग स्वीप की कोशिश थी लेकिन पूरी तरह से मिस हुए, बल्लेबाज डॉट की शक्ल में गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। दोनों टीम के कैप्टन आ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। इस बार बहुत तेजी से गेंद निकली, प्ले एंड मिस डॉट बॉल। अब अगर हम देखें तो एक के बाद एक डॉट बॉल खेले जा रहे हैं प्रांशी लेवन के बल्लेबाज। तीन ओवर में जो स्कोर बोर्ड इतना अच्छा नजर आ रहा था 37-37, पहले तीन ओवर में 31 थे, अब चौथे ओवर में रन आए 6 और पांचवें ओवर में अभी तक कोई भी रन नहीं। देखिए मंगेश कन्नारा, आपको दोनों टीमों से कांटेक्ट कर लेना है। इस बार हवाई फायर किया है और गेंद मैदान के बाहर, दक्षत सिंगोले अपने दस्तखत करते हुए इस स्ट्रोक के पीछे, बहुत देर के बाद जाकर कोई बड़ा हिट देखने को मिला है। सिक्सर की मदद से कितने बने हैं, 43 आई थिंक 45। रन 43 आखिरी तीन बॉल, देखने हैं दक्षत सिंगोले का क्या होगा कॉल गेंदबाज के लिए। अतुल मुड़ते हुए फुल टॉस बोलती, बल्ले का निचले किनारे पर लगकर गेंद तेजी से ट्रैवल करी, लॉन्ग लेग की तरफ फील्डर मौजूद है, एक रन बनाए दूसरे के लिए गए, तेज कदमों के साथ दो रन पूरे, दो की मदद से टोटल स्कोर है 45-45। आखिरी दो बॉल का आना बाकी, अतुल मुड़ते हुए
इस बार ऑन साइड में खेला है, वहां पर केवल भोई मौजूद है, एक रन बना है, दूसरे के लिए गए, थोड़ा सा खराब थ्रो, गिर गए थे वहां पर थ्रो करते वक्त केवल भोई, और दो रन पूरे, दो की मदद से टोटल रन बने 47। आखिरी बॉल, इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर अतुल बिल्कुल तैयार, सामना करेंगे दक्षत सिंघल, अभी तक 10 रन बना चुके हैं पहली 5 बॉल में, देखने और कितने रन जोड़ पाते हैं। इस बार आप बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, बड़ी लॉन्ग ऑफ पर चंद्रकांत जोशी पहुंचे, एक रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे हैं और तेज कदमों के साथ वहां पे फिर से दो रन पूरे, तो रन बने टोटल 49, 49 अर्धशतक, 50 रनों का टारगेट है आर्यन इलेवन के सामने। आइए हमारे बीच में मंगेश चौहान, आज एक अलग रूप में नजर आ रहे हैं, बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी, आज तो लग ही नहीं रहे क्रिकेटर, ऐसा लग रहा है कोई मॉडल है। आइए मैं दोनों टीमों को टॉस बताता चलूं, एक तरफ है बाबू भाई और सना भाई, दूसरी तरफ है लेट मेहुल ट्रॉफी 2023। बाबू भाई एंड सना भाई कॉल है यहाँ पर चैलेंज के कैप्टन जेडी का, और आया भी वही है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मंगेश चौहान। टॉस को जीता जेडी, क्या करने जा रहे हैं? बैटिंग। देखिए आपने बैटिंग का फैसला किया है, जबकि पिछला मुकाबला जो चैलेंज और ट्रॉफी में आपके अपने शो में था, आप लोग पहले फील्डिंग करते हुए आ रहे थे, तो वहाँ पर जो कमियाँ थी क्या उसे पूरा करके आ रही है चैलेंज स्पोर्ट? हाँ देखते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच, ये थे जेडी। अब लौट चलते हैं बालाजी के कैप्टन मनीष की तरफ, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? क्षेत्ररक्षणी। देखिए क्या ये वही टीम है जो लास्ट ईयर तक खेल रही थी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, कुणाल जेडी सनी? हाँ ये वही टीम है। तो क्या जो पिछले साल इनका खेल रहा था पूरे साल वैसे ही देखने को मिलेगा, या फिर और भी तैयारी करके आ रही है बालाजी स्पोर्ट्स? और तैयारी करके आ रही है। थैंक यू वेरी मच, ये थे जे बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स, चैलेंज स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स।
स्ट्राइक ले रहे हैं बल्लेबाज नितिन, जो एक बार अगर मारना शुरू करे तो मारते हैं गिन गिन। और नॉन इशारा एंड पर हैं विजय पाटिल, अर्धशतक वीर प्लेयर लास्ट ईयर के, अंपायर का इशारा, ग्रीन सिग्नल आता हुआ वहां से। अवेश आ रही है पहला ओवर लेकर। दक्षता सिंगुले ने अच्छे तरीके से गेम को फिनिश किया है, देखना अब गेंदबाजी में अच्छा टचअप देती है नहीं उनकी टीम, देखना है देवानंद मात्रे जुड़े हैं या नहीं, इनके एक बहुत अच्छे सपोर्टर हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। अब सूरज भी बिल्कुल आबोताब के साथ चमकता हुआ और हम थोड़े से परेशानियों में अब घिरते हुए। आवेश गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं, टाइम 10:17 पर पहली गेंद। इस बार इंतजार करके इस गेंद को सिर्फ टहला दिया था डीप पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद थे वहां पर, एक रन आता हुआ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से नितिन ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। आप देखिए इस वक्त लेट मेहुल ट्रॉफी 2023 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये दूसरा शो, इसके बाद आप देखेंगे 5 जनवरी से नौ दुर्गा चषक, इसके बाद आप देखेंगे किंग भादौड़कर 9000 चषक 29 दिसंबर से, परसों से जो शुरू होगा। इस बार लेट कट करने की कोशिश, प्ले एंड मिस, 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भादौड़ की सरजमी पे आप देखेंगे किंग भादौड़कर 9000 चषक, फिर आप देखेंगे 5 जनवरी से 2024 नए साल में नौ दुर्गा चषक, फिर उसके बाद आप देखेंगे 19 जनवरी से आर्यन का शो, आर्यन चषक भादौड़ की सरजमी पे, वो भी टूर्नामेंट खेला जाएगा, एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट। इस बार इंतजार करके कट करने की कोशिश थी विजय पाटिल की, प्ले एंड मिस डॉट बॉल। देखिए मैंने कहा था कि चैलेंजर ट्रॉफी में अमान स्पोर्ट के सामने 6 ओवर में 40 रन बनाने थे अमान स्पोर्ट को, और प्रांशी 11 ने नाक में दम कर दिया था। इस बार बहुत ज्यादा सफल होकर ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी विजय पाटिल की, ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं बना, लेकिन इस सिंगल से उन्होंने अपना खाता जरूर खोल लिया है। एक एक रिव्यू दोनों टीमों के पास मौजूद है, बीमर के लिए, सिर्फ बीमर के लिए इस बात का ख्याल रखना है दोनों टीम्स, इसके अलावा कोई भी चीज के लिए बीमर का रिव्यू अवेलेबल नहीं है। और अंपायर को अगर डाउट होगा कि गेंदबाज के एक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो वो तीसरे अंपायर की मदद मांग सकता है और तीसरे अंपायर का फैसला आखिरी रहेगा। इस बार सफल हो के ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन कनेक्शन फिर से नहीं बना वहां पर, डॉट बॉल। पहले ओवर में क्या गेंदबाजी हो रही आवेश की तरफ से, मान लो आवेश को पूरा मिला है आदेश कि आपको एक के बाद एक अच्छी गेंद करनी है पेश। सोनू भी आज काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं, देखना है शाम में इनका क्या जलवा रहेगा। इस बार स्विच इट हवा में तान दिया है, काफी दूर थे फील्डर, गेंद तक पहुंचे, एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे तेज कदमों के साथ, 2 रन पूरे। ओहो, हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द हैंडसम फेस ऑफ भिवंडी, अशोक चौहान, वेरी डैशिंग और डायनामिक पर्सनालिटी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। वेलकम अशोक सना चौहान, आपका हार्दिक स्वागत है लेट मेहुल ट्रॉफी में, स्पेशली हमारी तरफ से। पहले ओवर का खेल हो चुका है, बहुत ज्यादा मीटिंग नहीं करना है, पहले ओवर के लिए 4 मिनट खर्च किया है प्रांशी 11 आपने, थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है। प्रांशी 11 और आर्यन 11 दोनों ही टीमें, एक ओवर के बाद रन बने सिर्फ 4, देखने क्या होगा अगले ओवर में दोनों टीमों का विचार। स्ट्राइक पर होंगे विजय पाटिल, ये कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही कमाल हो रही है, दक्षत सिंगोले को दूसरे ओवर के लिए मोर्चे पर लगाया गया है। अमल ठाकुर टीम में आज मौजूद नहीं है क्योंकि इंजरी से जूझ रहे हैं बहुत ज्यादा। वेलकम अशोक सना चौहान, आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन जो लुक इनका नजर आया था पहले दिन,
लॉस एंजलिस के टी शर्ट में अभी तक वो जलवा देखने को नहीं मिला है। अमेरिका से वो टी शर्ट इम्पोर्ट करवाई गई थी स्पेशली। इस बार बैक फुट पर जाकर खूबसूरत पंच किया है, डीप में फील्डर मौजूद है, डीप कवर पॉइंट की तरफ एक रन आता हुआ अभी तक सिंगल में डील की जा रही है। जिस तरीके की शुरुआत रही थी प्रांशी इलेवन की, बिल्कुल वैसी शुरुआत हम देख रहे हैं, थोड़ी सी और धीमे कह सकते हैं क्योंकि पहले ओवर से 10 का आस्किंग मिनट है और पहले ओवर में रन बने सिर्फ 4, दूसरे ओवर की शुरुआत और सिंगल के साथ। दक्षत सिंह ले राइट आर्म ओवर द विकेट इतनी तीन के लिए। अगली गेंद स्लॉग स्वीप की कोशिश पूरी तरह से मिस, डॉट बॉल, अंपायर का आया कॉल, देखने है किसका आएगा डाउनफॉल। गेंदबाजी अच्छी कर रही है अभी तक प्रांशी इलेवन। चैनल में गेंदबाजी की जा रही है, उन्हें भी पता है कि मैच बहुत बड़ा है। अगली गेंद इस बार नितिन चल पड़े ऑन फायर, गेंद मैदान के बाहर, बहुत ज्यादा सफल हो गए थे इस बार पहले ही और थोड़ी सी छोटी गेंद कर दी वहां पर दक्षत ने और खोटी गेंद में से तब्दील कर दिया नितिन ने। इस सिक्सर की मदद से रन बने कुल 11, 11 रन्स। पहला बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ इस इनिंग का, 50 रनों का टारगेट है, 50 रन्स टू विन आर्यन 11। शंकर जुकर फैम टीम इस वक्त दो बात कर रही है, दीपेश ठाकुर फैम टीम प्रांशी इलेवन से, देखते हैं इस मुकाबले को जीतकर अगले राउंड के लिए कौन क्वालिफाई होता है। दोनों टीमों का सफर खत्म हुआ था पहले ही मैच में चैलेंज ट्रॉफी 2023 में, देखने अपनी तकदीर को इस टूर्नामेंट में कौन बदलता है। क्रियांश चौहान पूरी तरह से इंजॉय करते हुए इस बार स्विच हिट खेला है। ओ, ये देखिए नितिन, मैंने कहा था ये एक बार अगर मारे तो मारते हैं गिन गिन, अब शुरू कर दिया है। पता ही नहीं चला कि नितिन राइट हैंडर बल्लेबाज है या फिर लेफ्ट। बैक टू बैक दो सिक्सर लगाकर पूरी तरह से मैच को ऑन कर दिया है, वापसी करा दी अपनी टीम की अब नितिन चौधरी ने। नितिन चौधरी बहुत ही गजब के बल्लेबाज हैं, मैंने पहले ही कह दिया था अगर ये मारे तो मारते हैं गिन गिन। अगली गेंद एक और सिक्सर का हैट्रिक, पहले बल्लेबाज बने हैं इस टूर्नामेंट में सिक्सर के हैट्रिक पूरा करने वाले। चैलेंज ट्रॉफी में बने थे अक्षय पाटिल, लेट मेहुल ट्रॉफी में बने हैं नितिन चौधरी। और इन तीन सिक्सर ने पूरी तरह से मैच को अब कहीं ना कहीं आर्यन इलेवन की तरफ झुका सा दिया है। रन बने 23-23, बल्लेबाजी करें नितिन माइंड फ्री। अब अगर प्रांशी इलेवन को वापसी करनी है तो नितिन को डगआउट भेजना पड़ेगा, वक्त का ख्याल रखना है। प्रांशी इलेवन बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना है, मीटिंग नहीं करना है प्लीज। तीन गेंदों में तीन सिक्सर लगाकर मानो मैच को पूरी तरह से पलट दिया है नितिन चौधरी ने, बता दिया कि इतना बड़ा नाम क्यों है। लास्ट ईयर यूं ही नहीं है, चर्चे में थे नितिन चौधरी। फिर से इस बार स्विच हिट किया है, गैप में है गेंद, दूर से आ रहे हैं फील्डर, एक रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे, मिस कम्युनिकेशन, डायरेक्ट हिट नहीं लगा,
बाल बाल बच गए विजय पाटिल, एक ही रन, दो ओवर का खेल यहां पर हुआ खत्म, रन बनी है 24-24, पूरे 10 मिनट लिए पहले दो ओवर कंप्लीट करने के लिए प्रांशी इलेवन ने। वक्त का ख्याल रखना है, जल्द से जल्द गेंदबाजी की शुरुआत करनी है तीसरे ओवर की। वहां पर फिसल गए थे जब दूसरे रन के लिए पलटे थे नितिन चौधरी, इसीलिए उन्होंने मना किया। विजय पाटिल तो मानो एकदम उनके करीब आ चुके थे, उन्होंने तो मैं समझता हूँ 3 रन दौड़ के पूरे किए। अब यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक की मांग ली गई है। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ पानी पीना तो एक बहाना है, आपस में कोई स्ट्रेटेजी बनाना है। और ड्रिंक्स लेकर आ रहे हैं संदीप पाटिल, इनकी निगाहें काफी तेज है। 2021 सभापति चषक का वो मैच है जब संयुक्त से दो दो हाथ कर रही थी आर्यन इलेवन। 24 रन 24। संदीप पाटिल आप कैसे चुक गए रन सुनने से? बचास का टारगेट, अब यहां से 26 रन चाहिए बची हुई 18 गेंदों में, 18 बॉल 26 रन गेंदबाजी के लिए देखने हैं। आवेश को कंटिन्यू रखा गया है, पहले ओवर में बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी लेकिन दूसरे ओवर में थोड़ा सा दबाव डाल दिया वहां पर नितिन चौधरी ने। देखना आवेश क्या उस दबाव से टीम को निकाल पाते हैं या नहीं। एकलौते गेंदबाज होंगे जो अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आएंगे। गेंदबाजी की शुरुआत करने प्लीज प्रांशी इलेवन। देखने वहां पर क्या स्ट्रेटेजी बनाई है दोनों टीमों ने। ड्रिंक्स ब्रेक में नितिन चौधरी होंगे स्ट्राइक पर, मैन इनफॉर्म अब हो चुके हैं पूरी तरह से। चार जब सिक्सर का हैट्रिक भी इन्होंने पिछले ओवर में ही कंप्लीट किया है। आवेश राइट आर्म और द विकेट, आते ही 7 बड़े हिट के ले गए, गेंद हवा में, ओहो वहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग लेकिन सिक्सर का इशारा आता हुआ अंपायर का, टच कर गए थे वहां पर बाउंड्री रोप को धीरज। एक और मैक्सिमम लगाते हुए नितिन अब पूरी तरह से टच में हार चुके हैं। नितिन 30 रन बन चुके हैं, यहां से सिर्फ 20 रन चाहिए टीम को मैच जिताने के लिए। मानो ऐसा लग रहा है कि नितिन इस मैच को अकेले ले उड़ेंगे। अब अगर इन्हें डगआउट नहीं भेज पाए प्रांशी इलेवन पिछले 4 बॉलों में तो कहीं ना कहीं मैच बहुत दूर चला जाएगा इनसे, क्योंकि नितिन क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। चैलेंज स्पोर्ट आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाना है। इस बार स्विच हिट खेलने गए लेकिन मिस हुए, थोड़ा सा गति में भी परिवर्तन किया था। डॉट बॉल, एक सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी करते हुए आवेश, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुसीबत थोड़ा सा बढ़ गई है प्रांशी इलेवन की, क्योंकि नितिन चौधरी अब टच में नजर आ रहे हैं। अभी तो विजय पाटिल का बल्ला शांत रहा है, इनका बल्ला नहीं मचाया हल्ला, इन्होंने 4 बॉल में 2 रन बनाए हैं सिर्फ। इस बार बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद तेजी से ट्रैवल हो रही है, कोई भी मौका नहीं, नितिन चौधरी ने लगाया चौका। ये नितिन चौधरी है, आपको कभी भी चौंका सकते हैं चौका लगाकर। रन बन गए हैं 34-34, यहां से सिर्फ 16 रन चाहिए, गेंदे बची है 15 बॉल 16 रन। ऐसा लग रहा है कि अब एक तरफा मैच को करने की कोशिश कर रहे हैं नितिन चौधरी, फिर से फील्ड में बदलाव। इस बार गति में परिवर्तन किया था वहां पर धीरज पहुंचे हैं, अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा फंबल किया था लेकिन एक ही रन मुकम्मल हुआ, सिंगल आया है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं अब बहुत कंट्रोल में नजर आ रही है आर्यन इलेवन, लेकिन भूलना नहीं होगा क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर प्रेडिक्शन सभी के फेल है। कल हमने देखा 12 बॉल में 13 रन नहीं बना पाई अमान स्पोर्ट्स। इस बार पटकी हुई गेंद ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद जा रही डीप स्क्वायर लेग की तरफ,
हमसे जुड़ते हुए राजू परमार बाराखोली के। वेलकम राजू परमार, भिवंडी रोकी समाज क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। वेलकम राजू परमार, आपका हार्दिक स्वागत है लेट मेहुल ट्रॉफी 2023 में पूरी ओमसाई टीम की तरफ से और सिटी इमर्जिंग के इस बड़े टूर्नामेंट में। 36-36 मिस टाइम गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, क्या मैच में कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है क्योंकि नितिन चौधरी आउट हो चुके हैं। राजू परमार के हत्या साथ लग गया पहला झटका आर्यन इलेवन भादवाड़ को। बड़ा विकेट गिरा है नितिन चौधरी का, मैन इन फॉर्म आउट होकर डग आउट लौट रहे हैं। आउट होने से पहले देखने हैं 13 बॉल में 33, 33 मैच को बहुत हद तक फ्री करके गए अपनी टीम के लिए। अब यहां से जो रन चाहिए 12 बॉल में 14, क्या मैच में कोई ट्विस्ट अभी भी आ सकता है। तालियों के साथ इस्तकबाल किया गया है डगआउट में नितिन चौधरी का, बल्लेबाजी को आए योगी। बिल्कुल ऑन टाइम गेंदबाजी हम देख रहे हैं, 15 मिनट में 3 ओवर कंप्लीट कर दिए यहाँ पर अपने रंशी लेवन ने। थैंक यू वेरी मच, इसी तरह कॉपरेट करना है जल्द से जल्द, और चौथा ओवर भी 20 मिनट में कंप्लीट करना है, अगर नहीं होगा तो परेशानी आपकी ही बढ़ेगी। देखने चौथा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज मिलिंद, देखने मिलिंद मिलिन को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। देखना है चौथे ओवर में किस तरह करेंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है योगी। गेंदबाजी की शुरुआत करना है मिलिन, टीम के कैप्टन धीरज इस बात का ख्याल रखना है। ओहो बहुत अच्छी गेंद, फुलर लेन, प्लेन मिस, डॉट बॉल। अभी भी जीत के लिए 14 रन चाहिए, गेंदे बची है 11, क्या बदल सकता है अभी भी यहां से नजारा। कल तो हमने देखा था 12 में 13, इस बार फिर से स्लॉग स्वीप करने का सवाल पूछा था अंपायर से मिलिंद ने, लेकिन अंपायर ने मना किया। डॉट बॉल 10-13, बैक टू बैक दो डॉट बॉल करते हुए गेंदबाज मिलिंद। मिलिंद अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विजय पाटिल परेशानियों में नजर आते हुए। फिर से अच्छी गेंद ऑन साइड में खेला है, डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है, सिंगल आता हुआ, बहुत अच्छा फील्डिंग वहां पर, बहुत ही अच्छा थ्रो, एक रन सिंगल की मदद से रन बने हैं 37-37। और अब स्ट्राइक पर आएंगे योगी। पहली गेंद का सामना करेंगे योगी, 9 बॉल 12 रन, 9 में सॉरी 13, पैरों पर थी गेंद, फ्लिक के अंदाज में खेला है वहां पर, फील्डर बहुत तेजी से पहुंचे हैं। फिर से एक रन, 8-12, क्या बदल सकता है नजारा, देखना मत भूलिएगा इस मैच को दोबारा। अबे 8-12 है, 7-12 का क्वेश्चन वो देखना इसी मैच में आएगा या किसी और मैच में। 8 बॉल 12 और मैच देखने का बदल गया सभी का नजारा, ऐसा लग रहा था एक तरफा होगा ये मैच, अब कट टू कट। इस बार अच्छी गेंद वहां पर, बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद है, एक रन बनाए, दूसरे खेले गए, रॉन्ग हैंड थ्रो, अगर गेंदबाज की तरफ ये थ्रो होता तो फिर नतीजा बदलने का मौका होता फील्डर के पास। अब 7-10 देखने कौन कहेगा यहां से, अब बस 7-10 का इक्वेशन है। विजय पाटिल होंगे स्ट्राइक पर, क्या ओवर किया है मिलिंद ने, 5 बॉल में रन दिए सिर्फ 4, बदल दिया दोनों टीमों का विचार। गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक है उसके नीचे, फील्डर आउट हो गए विजय पाटिल,
अब अगेन बस साबित हो रहे हैं बहुत काबिल। 6 बॉल 10। क्या गेंदबाजी की है मिलिंद ने, पूरी तरह से टीम को वापसी करा दी। जो गेंदबाजी की थी गणेश पाटिल ने अमान के सामने चौथे ओवर में, सेम वही कारनामा किया है मिलिंद ने। उन्होंने 3 रन दिए थे, 3 सफलता हासिल की थी, इन्होंने 4 रन दिए, 1 सफलता हासिल की। और बिल्कुल ऑन टाइम गेंदबाजी की है प्रांशी 11 ने 20 मिनट में, जिसमें से ड्रिंक्स ब्रेक भी लिया गया था, तो 4 ओवर इन्होंने 19 मिनट में ही कंप्लीट किए हैं। थैंक यू वेरी मच। अब आए हैं बल्लेबाजी को रवि। देखिए कवि की बातों को समझना मुश्किल होता है, क्या रवि की बल्लेबाजी को समझ पाएगी प्रांशी 11। बॉलिंग के लिए आए हैं ओम, देखने हैं ओम क्या टीम के लिए हीरो बनेंगे। वहां पर गेंद के आकार को लेकर समस्या है, अंपायर ने गेंद को बदलने की मांग की है। राजू परमार के कंधे पर अब जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है, भिवंडी रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। ऐसा लगता है मजबूत कंधा देखकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए अशोक चौहान, हर कोई अब आपकी तरह तो फिट एंड फाइन नहीं हो सकता, क्योंकि भिवंडी शहर में हमारे जैसे लोग भी तो हैं और कुछ ज्यादा ही है। वो कहते हैं ना अशोक चौहान, आपकी जो आपका फेस कट है, जो आपका नक्स वो नुस्खा है, उसके लिए बहुत बेहतरीन लाइन कही थी सिद्दीक भाभी सर ने, मासूम चेहरा लेकिन वार गहरा। मासूम चेहरा तो आपका ही है लेकिन वार भी बहुत गहरा होता है। 6 में 10 ओम को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, गेंदबाजी की तुरंत शुरुआत करनी है। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से गेंदबाजी के लिए आए हैं, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज। पहली गेंद हवा में, फील्डर मौजूद है लेकिन मस्तक पे दस्तक, सिक्सर। क्या बदल जाएगी पिक्चर, योगी ने पूरी तरह से मैच की पिक्चर को बदल दिया सिक्सर लगाकर। अब राहत की सांस लिए पूरी टीम ने, 5 में 4 बदल गया विचार। देखना है कौन खाएगा खुशी खुशी दोपहर में अचार, क्योंकि जीत के लिए चाहिए 5 में 4। पांच बॉल 4 रन, ऐसा ही स्ट्रोक लगाया था महेश चौहान ने नवदुर्गा पद्मानगर के सामने, लेकिन सुरेश ने क्या फील्डिंग की थी, आउटस्टैंडिंग कैच लिया था, अभी तक का बेस्ट कैच है इस टूर्नामेंट का। ओम मुड़ते हुए फुल टॉस गेंद हवा में, दक्षत सिंगोले उसके नीचे, क्या अभी भी कोई ट्विस्ट आ सकता है, 4 में चाहिए 4। हमने ऐसे मैचेस काफी देखे हैं क्रुशियल मोमेंट पर, और आर्यन 11 को भी पता है कि किनारे पर आकर डूबना बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। 4 बॉल में 4, 6 में 5 चाहिए थे चैलेंजर ट्रॉफी के मेगा फाइनल में अमान को, नहीं बने थे। 2021 में भी आर्यन को चाहिए थे 6 में 6, वो भी नहीं बने थे, लेकिन आज 6 में 10 था, 6 तो बन गया, अब सिर्फ और 4 बनाने हैं। क्या ओम रोक पाएंगे, पहली गेंद पर क्या सिक्सर लगाया था योगी ने, ऐसा लगा कि मैच को फिर से उन्होंने एक तरफा कर दिया है, लेकिन फिर से अगली बॉल पर ट्विस्ट। इतना तो यशराज की फिल्मों में ट्विस्ट नहीं होता जितना सिटी मर्जिंग क्रिकेट के मैचेस में होता है। चैलेंज स्पोर्ट आपको बिल्कुल तैयार रहना है इस मैच के खत्म होते ही साथ, आपको अपनी फील्डिंग लगानी है।
चंद्रकांत जोशी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, देखना है कितना जोश दिखाएंगे या फिर होश। ओम मुड़ते हुए चंद्रकांत के लिए आते ही सात स्विच इट और गेम को कर दिया अपनी टीम के लिए फिट, सिक्सर लगाकर इस मैच की पिक्चर को साफ कर दिया चंद्रकांत जोशी ने। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आर्यन इलेवन भादवाड़, शंकर जुकर, दर्शन नाइक, टीम के कैप्टन विजय पाटिल, नितिन चौधरी एंड हार्ड लक प्रांशी इलेवन, दीपेश ठाकुर, दक्षिण।